सब्सक्राइब कीजिए प्रतियोगिता मंत्र चैनल को और क्लिक करिए बेल आइकन को ताकि आप देख सकें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इन सभी वेबसाइट्स और ऐप के फाउंडर्स के नाम। अक्सर एक सवाल किसी न किसी सेट में इस पर आ ही जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज डिस्कस कर लेते हैं, ये तो आप में से काफी बच्चे जानते होंगे, फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने खरीद लिया। और कुछ बच्चे ये नहीं भी जानते होंगे। इससे रिलेटेड जीके पॉइंट ऑफ व्यू से बस आपको ये चीजें याद रखनी है। वॉलमार्ट जो है वो यूएस की कंपनी है और इसने फ्लिपकार्ट का 70% स्टेक खरीदा है। एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है कि पूरा 100% नहीं खरीदा है, 77% खरीदा है। और कितने में खरीदा है? $16 बिलियन में खरीदा है, मतलब करीबन 1,00,000 करोड़ में खरीदा है। अब मैं आपको बताऊंगी कुछ इम्पोर्टेंट वेबसाइट और ऐप के फाउंडर्स के नाम जो आपको याद रखने हैं। शुरू इसी से कर लेते हैं। वॉलमार्ट के फाउंडर का नाम है सैमुअल मूरे वॉल्टन, यानी सैम वॉल्टन। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ये आप किसी पेपर में लिख लीजिए और एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ लीजिएगा। फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स का नाम है सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। नेक्स्ट देखिए, अमेज़न के फाउंडर का नाम है जेफ बेजोस। स्नैपडील के फाउंडर्स का नाम है कुणाल बहल और इसके बाद आपको याद रखना है शॉपक्लूज के फाउंडर का नाम संजया सेठी। क्विकर के फाउंडर का नाम है प्रणय चुलेट। ये पेपर में पूछा जा चुका है, तो आपको इसको याद रखना है। ओला कैब्स के फाउंडर का नाम है भाविश अग्रवाल। जबोंग के फाउंडर का नाम है प्रवीण सिन्हा। जोमैटो के फाउंडर्स का नाम भी बहुत इम्पोर्टेंट है, दीपिंदर गोयल और पंकज चड्ढा। आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट है पेटीएम के फाउंडर का नाम। पेटीएम के फाउंडर हैं विकर शर्मा। ऊबर के फाउंडर का नाम आप सब मुझे कमेंट में नीचे बताएंगे। ये जो मैंने कराए हैं इनको याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।